हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ ईडू केयर में। दोस्तों, ओपन राउंड काउंसलिंग के लिए आपका सीट मैट्रिक लिस्ट जारी हो चुका है, तो आप लोग अप्लाई करने से पहले, कॉलेज में आवेदन देने से पहले आप एक बार सीट मैट्रिक्स को अच्छे से ऑब्जर्व कर ले और देख ले जहाँ पर आप जा रहे हैं वहाँ पर कितने सीटें बची हुई हैं और कितना संभावना हो रहा है। आप एक से अधिक कॉलेज में भी आवेदन दे सकते हैं। अगर आप पहले तो डिसाइड कर ले अपने एरिया में 3-4 कॉलेज डिसाइड कर लें और 2-3 जगह जाके आवेदन दे दें जहाँ पर आपको फिर सीट मिलता है, तो फिर जाके आपको एडमिशन ले लेना है। तो यहाँ पर जितने भी कॉलेज हैं आपके और जिनमें सीटें वैकेंट हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं सबका डिटेल दिया हुआ है। टोटल अभी सीटें यहाँ पर 2200 कुछ सीटें यहाँ पर वैकेंट है। और इधर आप देखेंगे तो यहाँ पर पहले काउंसलिंग में कितना एडमिशन हुआ, दूसरे काउंसलिंग में कितना, तीसरे, चौथे, पांचवे काउंसलिंग में कितना एडमिशन हुआ, ये है। और टोटल एडमिशन है ये। और इधर जो वैकेंट सीट है आपको राइट साइड में दिखेगा, सबसे राइट साइड में, तो आप कॉलेज वाइज यहाँ पर देख सकते हैं, जिससे आपको कॉलेज विजिट करने में, एडमिशन में सुविधा होगा। तो एक बार इसका अवलोकन आप ज़रूर करें, ध्यान से देखें कि कहाँ कितने सीटें वैकेंट है। देखिए, ये सब कॉलेज में ज़्यादा सीट खाली दिख रहा है। यहाँ पर 36, 43, 59, 61, 38, 41, 31, बहुत सारे सीटें यहाँ पर खाली हैं, तो आप देख सकते हैं। इधर कॉलेज वाइज आप देखिएगा जो भी कॉलेज का आपको देखना है। और आप लोग भी परेशान हो रहे थे कि कब आएगा कब आएगा, थोड़ा सा लेट हुआ सीट मैट्रिक्स को आने में और मैं आज बिजी था, जिसके कारण वीडियो भी थोड़ा सा लेट हुआ है। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको ऑब्जर्व अच्छे से कर लीजिए, उसके बाद आवेदन दीजिए, 100% आपका एडमिशन होगा, घबराने की कोई भी बात नहीं है। स्कॉलरशिप भी सबको मिलेगा, ऐसा नहीं कि ओपन राउंड में लेंगे तो स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, स्कॉलरशिप सबको मिलेगा। और कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। मिलते हैं अगले अपडेट में, धन्यवाद। यहाँ तो ज़्यादा कुछ लंबा खींचने वाला बात नहीं है, बस आपको खुद से चेक कर लेना है। PDF आपको हमारे टेलीग्राम में मिलेगा या फिर आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, अगले अपडेट के लिए बने रहिए। धन्यवाद, जोहार।